मेरी भुजाएं भी युद्ध के लिए भड़बड़ा रही हैं। अब और विश्राम नहीं, मैं तुम दोनों माता और पुत्र को एक साथ युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। संसार माँ और पुत्र के एक नए रूप से परिचित होगा, उनके कलोचंडी विनायकों रूप से। आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा माता और पुत्र को एक साथ पराजित करने में। कोई प्रहार सफल नहीं होगा। माता रुकिए, मुझे आक्रमण करने दीजिए। शक्ति इसका कवच बन रही है जिसके कारण हमारे शस्त्र इसे आहत करना तो दूर, इसका स्पर्श भी नहीं कर पा रहे हैं। देखा, तुमसे सुरक्षित रहने के लिए मुझे अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं। शस्त्र खड़ा हूं मैं, आओ मुझ पर वार करो। मैं भी तो देखूं क्या तुम दोनों मुझे लेश मात्र भी पीड़ा पहुंचा सकते हो या नहीं। क्या हुआ, पुनः विश्राम की आवश्यकता है या पराजय स्वीकार कर ली? माता, पीड़ा से स्मरण हुआ, जब मूषक जी की श्वेत की एक बूंद इसके तन पर गिरी थी तो इसकी त्वचा भस्म हो उठी थी, इसलिए जो इसने सृष्टि से छीना है वही जल इसे दुर्बल बनाता है। मैं इसके अंत के लिए पृथ्वी के गर्भ से जल निकाल सकता हूँ, किंतु ये तब तक संभव नहीं जब तक ये दुष्ट हमारे निकट है। जो विचार करने में समय व्यर्थ कर रहे हो, मुझे पराजित करने का कोई उपाय नहीं।
कहीं तुम्हारे विचार करते करते ये धरती अकाल से कंकाल में ना बदल जाए। ताप नहीं, श्राप हूं मैं, सबका विनाश हूं मैं, विनाश हूं मैं। बहुत गंभीर होती जा रही है। संपूर्ण धरती और उसके वासी अब कष्ट में है पुत्र। हमारे पास अब अधिक समय शेष नहीं है। पुत्र, तुम्हारा उपाय उत्तम। तुम अपना कार्य करो पुत्र, मैं तब तक इसे तुमसे दूर रखती हूं। अमर हूं मैं, मेरे तपोबल की शक्ति और असुर गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद ने मुझे अमर बना दिया। इसीलिए मेरे अंत का स्वप्न देखना छोड़ और अपनी पराजय स्वीकार कर चली जाओ यहां से। अभी भी समय है। असुर गुरु शुक्राचार्य, उन्हें तो मैंने इस असुर के साथ देखा था, वो इसे कुछ दे रहे थे। मुझे किसी प्रकार ये बात गजानन तक पहुंचानी होगी। हमारे अस्त्रों से तुम अवश्य ही सुरक्षित, किंतु तुम्हारे अस्त्र तो तुम्हें आघात दे ही सकते ये तो गजासुर द्वितीय की चित्कार थी। हाँ, उसके चित्कार के साथ महेंद्रपुरी के असुरों के चित्कार भी बढ़ती जा रही है। यदि वो असफल हुआ तो महेंद्रपुरी के प्रत्येक घर से रोने की ध्वनि सुनाई देगी। किंतु तुम्हारी माँ माया सुरा से उसे असफल नहीं होने देगी। मैं इस दुष्ट असुर को कदापि सफल नहीं होने दूंगा। सफल तो माता और माता पार्वती नंदन ही होंगे, किंतु मुझे उन तक पहुंचना होगा, उन्हें बताना होगा कि इस दुष्ट की भेंट असुर गुरु शुक्राचार्य से हुई थी और गुरु शुक्राचार्य ने उस गजासुर दूती को कुछ दिया भी था। माँ और गणेश इस संकट को टालने का जो भी उपाय कर रहे हैं उसमें उन्हें शीघ्रता करनी होगी। शीघ्र ही कुछ करो गणेश, कुछ करो माँ। माता, मैं शीघ्र अति शीघ्र जल निकालने का उपाय करता हूँ। स्वयं को रोक क्यों नहीं पा रहा हूं? और ये कैसी परछाई मेरा पीछा कर रही है?
कठिनाई कितनी भी हो, किंतु मुझे गणेश जी तक पहुंचना ही होगा। एक बूंद भी नहीं है, कदाचित गजासुर के कारण जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। मुझे अपनी सूंड और गहराई में ले जानी होगी। अपना संतुलन लौटाने में सफल हुआ मैं। कदाचित भूल हुई मुझसे, मैंने तुम्हें जो अवसर दिया तुम कदाचित उसके योग्य ही नहीं। मेरी योग्यता पर संदेह करना आपकी भूल है। तो प्रमाणित करो अपनी योग्यता को, विनाश करो उन देवताओं का, मेरी महेंद्रपुरी का नहीं। अब मैं इन देवताओं को कोई असर नहीं दूंगा। क्या हुआ मां, कैसी दशा है उसकी? कुशल है, और इस कुशलता का आभास मुझे तब होगा जब वो इस कार्य को संपन्न करेगा जिसके लिए हमने उसे बुलाया था। माता, ऋषि पुलस्त, ऋषिवर आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। नहीं गणेश जी, कदाचित ये संभव नहीं है, क्योंकि असुर गुरु शुक्राचार्य ने गजासुर द्वितीय को कुछ दिया था। सावधान देवी, सावधान, गजासुर द्वितीय आ रहा है तुम्हें दंड देने के लिए, तुम दोनों का नाश करने के लिए। माता, ऋषिवर का अनुमान उचित है। असुर गुरु शुक्राचार्य ने उस दुष्ट को कुछ ऐसा अवश्य दिया है जिससे उसकी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। तभी तो यहाँ से दूर होने पर भी उसका प्रभाव कम नहीं हुआ। तब तो हमें उसकी सुरक्षा के उस आधार को भी ढूंढना होगा। इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो मुझसे छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि और कोई नहीं, स्वयं मैं ही सृष्टि हूँ। की अत्यंत निकट हूं मैं, और अपनी विजय की भी। ऐसा विध्वंस था जिसने महेंद्रपुरी को भी कंपित कर दिया। कैसे संभव? उन्होंने मेरा महास्त्र कैसे ढूंढ लिया? इसे धरती से बाहर कैसे निकाल लिया? यही था ना वो महाअस्त्र दुष्ट जिस पर तुम्हें अहंकार था, जिसके कारण तुम सुरक्षित थे। तो लो, स्वयं इसे नष्ट होते देखो।
अस्त्र की ये विशेषता, इसको क्रियान्वित करने के बाद इसे तभी रोका जा सकता है जब कोई इसे नष्ट कर दे। महाअस्त्र नष्ट हुआ मेरा, मैं अभी भी जीवित, और मेरा तप ही मेरा अस्त्र बनेगा। तुमने मेरा अस्त्र खंडित किया, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा देवी। प्रभु, आपको जल मिला? मूषक जी, जब तक मैं जल ढूंढता हूँ, आप उस असुर को रोकिए। मैं कैसे प्रभु? क्यों क्यों नहीं, अब तो उसका महास्त्र नष्ट हो गया है, तो आप अकेले ही पर्याप्त हैं उसके लिए। क्यों, अनेकों बार मुझे युद्ध में विजय तो दिला चुके हैं ना आप। उचित कहा प्रभु आपने, मेरे अपार उत्साह और साहस के आगे ये दुष्ट गजासुर द्वितीय कदापि नहीं टिक सकेगा। ए तुच्छ मूषक, हट जाओ मेरे सामने से। तू तो क्या, ना तेरी देवी ना तेरा वो स्वामी मुझे रोक पाएगा। जिस प्रकार उन्होंने मेरा अस्त्र नष्ट किया है, मैं उनकी सृष्टि नष्ट कर दूंगा। पहले मेरा सामना तो कर लो। मैं किसी तुच्छ कीट का सामना नहीं करता, उसे मसल के रख देता हूँ। ताप नहीं, श्राप हूँ मैं। ताप हो या श्राप, मूषक से जो टकराता है चोर चोर हो जाता है। उतर दे मूषक, अब अपने अंत के लिए तैयार हो जा। अब तुम पर मृत्यु का वार होगा। दंड मूषक, तुम्हें ज्ञात नहीं, ताप नहीं, श्राप हूँ मैं, सबको सर्वनाश हूँ मैं। दैत्य जी, आपका भी बाप हूँ मैं। कहीं तो जल मिलेगा मुझे। शक, आज तुम कुचले जाओगे। ऐसे घूमो मत मूषक, साहस है तो स्थिर रहकर दिखाओ। लो, रुक गया मैं, स्थिर हो गया। छका सकता, थक गया मैं। कुछ तो कहिए, जल मिला आपको? थक गए, आप कैसे भागोगे? मिल गया, जल मिल गया। अब मेरी सुरक्षा हो गई। संभव, ये जल कहां से मिल गया इन्हें? और इसका बहाव मेरी ओर क्यों आ रहा है? उन्हें ये रहस्य कैसे ज्ञात हुआ कि जल से आहत हो सकता हूं मैं? हाँ।
ये क्या? हमें अकाल से मुक्ति मिल गई। इसका अर्थ क्या? हाँ पुत्र, इसका अर्थ है कि गजासुर द्वितीय पराजित हो गया। जब प्रकृति पुनः एक बार अपने वास्तविक रंग रूप में खिलखिलाने लगी तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि सब कुछ सामान्य है। और इसका एक अर्थ ये भी है कि माँ और गणेश सफल हो गए हैं। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है, और तुम्हारी प्रगति माँ की शरण में ही जाकर होगी। यदि तुम्हें ये स्वीकार नहीं तो तुम्हारे तप की शक्ति भी तुम्हें जीवित नहीं रख सकेगी। क्यों? क्यों नहीं? इतना कठोर तप किया है मैंने तो उसकी शक्ति मेरी रक्षा क्यों नहीं करेगी? मेरे तप और ऋषि के तप में भला क्या भेद है जो आप इसकी पुकार सुनकर मेरा वध करने चली आई? यहां असुरों का तप तप नहीं होता, फिर हमें उसका उचित फल क्यों नहीं मिलता? न्याय और धर्म के पालक है ना आप, तो कहां है आपका न्याय, कहां है आपका धर्म जो मेरे तप का फल देने में इतना संकोच कर रहा है, जबकि मुझे अभी इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। ये कैसा न्याय है, ये कैसा धर्म है आपका? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर मैं तुम्हें धर्म और अधर्म का भेद अवश्य समझाऊंगी गजासुर द्वितीय, किंतु ज्ञान को आत्मसात करने के पूर्व उसको पाने वाले को अपने मन को शांत करना आवश्यक होता है। अपने चित्त को शांत और स्थिर कर अपना आसन ग्रहण करो। किंतु मैं कहाँ हूँ और ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें तुम्हारे तप के फल स्वरूप वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है जिसे तुम पाना चाहते थे। ज्ञान चाहिए मुझे? नहीं, नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ आएगा जब तुम्हारे ज्ञान की भूख मिटेगी, किंतु उसके पूर्व अपने पेट की भूख मिटाओ। आओ भोजन करो। संकोच मत करो, अपना आसन ग्रहण करो और भोजन करो। संकोच तो आप कर रही हैं, भोजन देने ये तो रिक्त है। तुम्हारे तप और कर्मों से अर्जित भोजन तो तुम्हारी पोटलियों में है, उसे निकालो और खा लो। पोटली मेरे पास कैसे आ गई? ओम उत्पत्ति हेम रुचिराम रविचंद्र वहिन। इसमें तो कुछ भी नहीं है माता। मेरी पोटली में 3 पूरियां हैं। मुझे सर्वाधिक मिली है 5। साथ में भोजन करने बैठे हो तो किसी का पात्र भोजन से रिक्त ना हो। इस धर्म का पालन तो असुर भी करते हैं। इसमें कैसा धर्म? धर्म
ये तो अपना अपना भाग्य है, इसके भाग्य में भोजन नहीं तो इसमें मेरा क्या दोष? धर्मोचित तो ये है कि यदि किसी के पास भोजन ना हो तो उससे भोजन बांट लो। नहीं, धर्मोचित हो या ना हो, मैं अपना भोजन नहीं बांटूंगा। इस युद्ध में मैंने बहुत श्रम किया है, मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगा। गजासुर द्वितीय, यदि तुम ये समझना चाहते हो कि इतने तप के बाद भी धर्म के अनुसार तुम मृत्यु के भागी क्यों बने, तो सर्वप्रथम अपना भोजन बांटने का धर्म निभा। मन तो नहीं कर रहा किंतु समझना भी चाहता, उचित है, बांट लेता हूं अपना भोजन, किंतु 8 पूरियों को 3 भाग में कैसे बांटेंगे? प्रत्येक पूरी को 3 भागों में बांट ले तो हमारे पास 24 भाग होंगे और सभी को 8-8 भाग मिल जाएंगे। देखा, यदि इच्छा हो तो समाधान मिल ही जाता है। अब विलंब मत करो और बांट लो अपनी पूरियों को। अब आप तीनों 8-8 भाग लेकर भोजन करो। गजासुर द्वितीय, संकोच मत करो, जाओ। जब तुम्हारा पेट भरा है तुम निश्चिंत हो, तो तुम ये समझ सकोगे कि धर्म किस प्रकार न्याय करता है। मुझे तो लग रहा है आप उलझा रही हैं। यहाँ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऋषि पुलस्य, इन दोनों ने आपके साथ अपना भोजन बांटा, तो क्या आप इन्हें कुछ नहीं देंगे? किंतु मैं क्या दूं माता, मेरी पोटली तो बिल्कुल रिक्त है। ये देखिए, देवी स्वर्ण मुद्राएं लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। ये लीजिए, आप दोनों आपस में समान रूप से बांट लीजिए। नहीं, समान क्यों? मैंने अधिक पूरियां दी हैं, तो इन स्वर्ण मुद्राओं में मेरा भाग भी अधिक ही होगा। यही धर्म है, जितनी पूरी उतनी मुद्राएं। संख्या से अधिक भाव महत्वपूर्ण है। मैंने भी आपके समान अपना भोजन बांटा है गजासुर द्वितीय जी, तो इन स्वर्ण मुद्राओं का बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि हम दोनों को समान भाग मिले। 4 मुद्राएं आपकी और 4 मेरी हो। ओहो, तो एक और छलावा तुम देवताओं का। अधिक पूरियां मैंने दी थी तो अधिक स्वर्ण मुद्राएं मेरी हुई। यही धर्म है। चलिए, ना मेरी रही ना आपकी, इस विवाद का निर्णय माता पर छोड़ देते हैं। अब आप ही बताइए माता, किसको कितना भाग मिलना चाहिए? गजासुर द्वितीय को 7 और गणेश को मात्र 1 स्वर्ण मुद्रा मिलनी चाहिए। किंतु माता,
ये आपका कैसा निर्णय है?